आज के इस लेक्चर से हम अपना यूनिट 6 जो है उसका आज ये पहला लेक्चर है एयर पोल्यूशन का। आज के इस लेक्चर में हम सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स पढ़ेंगे और ख़ासकर प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एयर पोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, एनी अनडिज़ायरेबल चेंजेस इन दी नेचुरल कंपोजिशन ऑफ एटमोसफियर इन बोथ इनडोर एंड आउटडोर इन्वायरमेंट बाई एनी केमिकल बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एजेंट्स। ठीक है, कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज जब आ जाएगा जो नेचुरल कंपोजिशन होती है एटमोसफियर की, बहुत चाहे वो घर के अंदर हो, किसी बिल्डिंग के अंदर हो या फिर किसी खुले मैदान में हो, और चाहे कंटामिनेशन वो केमिकल चीज़ों की वजह से हुआ हो, बायोलॉजिकल हुआ हो या फिजिकल एजेंट्स की वजह से, ये सभी हमारे एयर पोल्यूशन का हिस्सा होते हैं। उसके बाद सोर्सेज की बात करें तो ये जनरल सी बातें सभी को पता है, दो सोर्सेज हमारे सिलेबस में हैं, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल क्या होता है, ऐसे पोल्यूटेंट्स जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में मिलते हैं फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, नेचर में ही अपने आप ये प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन के समय में सल्फर डाइऑक्साइड, सूट, फ्लाई ऐश, डस्ट, ये सारे पार्टिकल्स हमें वॉल्केनिक इरप्शंस में देखने को मिलते हैं। फिर हमारा क्या आ गया, डस्ट स्टॉर्म्स आ गया। डस्ट स्टॉर्म जब होते हैं तो धूल भरी जो आंधी होती है उसमें भी हमारे काफ़ी पोल्यूटेंट एयर में मिक्स होते हैं। फिर हमारे पॉलन ग्रेन हो गए, पॉलन ग्रेन भी हवा के साथ उड़कर एयर में रहते हैं, जिसकी वजह से किसी लोगों को एलर्जी भी हो जाती है। फिर हमारे फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, फायर्स कभी कभी नेचुरली भी लग जाते हैं, इस वजह से जो धुआं वगैरह होता है उसकी वजह से भी पोल्यूशन देखने को मिलता है। दूसरी बात करें तो हमारे एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज आ जाते हैं। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज मतलब ऐसे सोर्सेज जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से पोल्यूशन को रिलीज़ कर रहे हों। सबसे पहले इसमें डोमेस्टिक पोल्यूटेंट्स आ जाता है, ऐसे सभी पोल्यूटेंट्स जो कि हमारे घर के डे टू डे एक्टिविटीज़ की वजह से रिलीज़ हो रहे हैं। उसमें इंसेक्टिसाइड्स भी आ सकते हैं, जो हम अपने घर में इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल हो सकता है। अभी भी गाँव में देखिए कई जगह पे गैस सिलेंडर यूज़ नहीं हो रहा है जहाँ पे, तो वहाँ लोग लकड़ियों पे खाना बना रहे हैं या कंडा यूज़ कर रहे हैं, तो उसको जलाने से भी काफ़ी धुआँ होता है जिससे पोल्यूशन हो सकता है। या कोई भी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हो घर पे, उसकी वजह से हमारा डोमेस्टिक पोल्यूशन होता है। दूसरा सोर्स है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम काफ़ी बड़ी मात्रा में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और वीडीसाइड का इस्तेमाल करते हैं। इनको जब स्प्रे किया जाता है तो इनके स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एयर में मिक्स होकर एयर को पल्यूट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे आ गए इंडस्ट्रियल पल्यूटेंट्स। इंडस्ट्रियल सबसे बड़ा सोर्स है, हम जानते हैं काफ़ी सारे टाइप की इंडस्ट्री होती है, जैसे कि ये केमिकल इंडस्ट्री, सीमेंट, पेपर, टैनरीज और भी बहुत सारे तरीके की होती हैं। तो ये सभी कुछ ना कुछ केमिकल्स वगैरह यूज़ करती हैं, कहीं पे कम्बशन वाला काम हो रहा होता है कहीं पे कुछ, तो काफ़ी सारा और हर टाइप का पोल्यूशन उसमें प्रोड्यूस होता है, चाहे वो एयर हो, नॉइज़ हो, वाटर पोल्यूशन हो। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एयर पोल्यूशन के बारे में, तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ रिलीज़ करती हैं। अब कुछ इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स हैं इम्पॉर्टेंट, उनके सोर्सेज देख लेते हैं और इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे बेंजोपायरीन आ जाता है। बेंजोपायरीन जो सब्सटेंस होता है वो हमारे टोबैको स्मोक से, ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट से और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से रिलीज़ होता है, और ये बुरा इसलिए है क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर कॉजिंग होता है। फिर हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके भी कई सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे क्लोरोसिस, डिफोलिएशन, प्लांट्स को नुकसान पहुँचाता है, साथ ही साथ पेंट है अगर हुआ है तो डीकलराइज कर देता है, आइज़ और थ्रोट में इरिटेशन पैदा करता है। फिर हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड आ जाता है, ये अलूमिनियम और स्टील प्लांट्स से रिलीज़ होता है, ब्लास्ट फर्नेस से रिलीज़ होता है, सुपर फॉस्फेट मैन्युफैक्चरिंग में रिलीज़ होता है, और इससे जो मेजर समस्या सामने आती है वो है फ्लोरोसिस। उसके बाद हमारा हाइड्रोजन साइनाइड आ जाता है, जो कि मेटल प्लेटिंग और केमिकल इंडस्ट्री से रिलीज़ होता है। इससे क्या होता है, नर्वस इम्पेयरमेंट हो सकता है, विजन हमारी इम्पेयर हो सकती है और गिड्डीनेस वाली फीलिंग आती है। फिर जिंक हमारे स्मेल्टर्स, फर्नेसेस और स्क्रैप रिफाइनरी से रिलीज़ होता है, इसकी वजह से क्रैम्स हो सकते हैं, दर्द हो सकता है एब्डोमेन में, वॉमिटिंग हो सकती है, किडनी डैमेज हो सकता है। अमोनिया हमारा फर्टिलाइज़र या डाई यूनिट से रिलीज़ होता है, ये क्या करता है, लीव्स जो होती हैं प्लांट्स की उनकी ब्लीचिंग का कारण होता है,
रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में ये इरिटेशन कॉज कर सकता है। मरकरी जो होता है वो हमारा मेनली पेंट्स, फंगीसाइड्स और कोल बर्निंग से रिलीज होता है। इससे इन्फेंट डिफॉर्मिटी हो सकती है, एपेटाइट का लॉस हो सकता है, मुंह में छाले पड़ सकते हैं और आई डैमेज हो सकता है। कैडमियम हमारा वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर रिफाइनरीज से रिलीज होता है। रेस्पायरेटरी सिस्टम के लिए एक पॉइजन की तरह काम करता है और हाइपरटेंशन जैसी समस्या भी हो सकती है। क्लोरीन हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, इससे आई और रेस्पायरेटरी एलिमेंट्स हो सकते हैं, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। तो ये हमारे कुछ इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स थे। अभी हम पोल्यूटेंट जो इम्पोर्टेंट है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ये इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स थे। फिर हमारा जो ये टॉपिक आ जाता है हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, ये भी हमारे सिलेबस में है। प्राइमरी पोल्यूटेंट मतलब वो सारे पोल्यूटेंट जो कि डायरेक्टली हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है उनका, और उसी फॉर्म में ये रहते हैं जिस फॉर्म में ये रिलीज़ हुए हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड के फॉर्म में ही रहता है एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होने के बाद भी। तो ये हमारा प्राइमरी पोल्यूटेंट हो गया। नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, स्मोक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर हो गया, हैलोजन कंपाउंड्स हो गए, ये सारे हमारे प्राइमरी पोल्यूटेंट में। इनकी मेन खासियत क्या हो सकती है, क्या होती है, डायरेक्टली एमिट होते हैं सोर्स पॉइंट से और अपने उसी फॉर्म में ये बने रहते हैं एटमॉस्फेयर में जिस फॉर्म में ये रिलीज़ होते हैं। वहीं जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट और इन्वायरमेंटल कंस्टिट्यूएंट के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से इनका फॉर्मेशन होता है। ये खुद से इसी फॉर्म में रिलीज़ नहीं होते कहीं से, बल्कि बाद में जाकर बनते हैं। किनके रिएक्शन की वजह से, प्राइमरी पोल्यूटेंट की वजह से और एटमॉस्फेयर में जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनकी रिएक्शन की वजह से। जैसे कि ओजोन हो गया, ओजोन हमें पता है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है इसकी वजह से बनता है ओजोन, और पीएम परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये भी ये और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये मिलके हमारा ओजोन फॉर्म करती हैं। स्मॉग हो गया, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, ये सब क्या होते हैं हमारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी देखिए सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है NO, ये हमारा प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सेकेंडरी क्योंकि ये बाद में फॉर्म होता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, बेसिक सा था बिल्कुल एयर पोल्यूशन का, जिसमें हमने सोर्सेस पढ़े एयर पोल्यूशन के और प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं वो पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट एयर पोल्यूटेंट होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू।